मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा उस काम में लगा। तो पहला सूत्र हो गया चरक, सॉरी बागवती ऋषि के अनुसार खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। पीने के लिए तीन चीजें हैं, जूस, मट्ठा, दूध। जूस सवेरे, मट्ठा दोपहर को, दूध शाम को। ये एक छोटा सा सूत्र मैंने डायबिटीज के सैकड़ों मरीजों को कहा कि तुम करो। जो डायबिटीज के पेशेंट है ना, जिनको किसी को भयंकर डायबिटीज 10 साल से 12 साल से, और वो कहते हैं कि कंट्रोल भी नहीं आती, तीन तीन बार इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के फिर भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मैंने बताया कि कर लो, मुफ्त में है। भागवत ऋषि का इसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, फुकट में तुमको दे रहे हैं, खर्चा करने के लिए कुछ नहीं है, कर लो, इसमें बुराई क्या। तो जिसने भी किया है, चार पांच महीने के बाद हरेक ने मुझे फोन किया, राजीव भाई काम बहुत आता है ये सूत्र। कोई बोलता है कि मेरी शुगर 400 यूनिट के ऊपर कभी नीचे रहती ही नहीं थी, और ये एक सूत्र पालन किया है तो 170 तक आ गई है बिना किसी दवा की मदद के। सिर्फ इतना ही किया है कि भोजन के बाद पानी नहीं पिया है, सुबह भोजन किया है तो जूस पिया है, दोपहर को भोजन किया तो मट्ठा पिया, रात को किया तो दूध पिया। और ये डायबिटीज वाले अकेले नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को बताया जिनको गैस बनती है, पेट में जलन होती है, खट्टी खटारे आती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, वो कहते हैं कि एक सवा महीने में एसिडिटी ही खत्म हो गई बिना कोई दवा के, बस इतना सूत्र अपने जीवन में लाया है। तो आप ही ले आओ, अच्छा सूत्र है, खर्चा कुछ भी नहीं, मुफ्त का। बस इसमें आदत बदलनी है, आदत बदलने से बदल जाती है। शरीर के बारे में भागवत ऋषि कहते हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप जैसा चाहो वैसा हो सकता, आप बदल दो आदत बदल जाएगी, कल से शुरू कर दो।